नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो आपको बोनस शेयर देने जा रहा है। दोस्तों काफी बेहतरीन शेयर है, काफी सॉलिड शेयर है जो आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देगा आने वाले समय में। तो दोस्तों ऐसे शेयर जब आपको बोनस शेयर देना जा रहा है तो काफी खुशी होती है ऐसे शेयर होल्डर्स को जो भी इनमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है। आपको ये बता दें कि शॉर्ट टर्म में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, शॉर्ट टर्म में ज्यादा से ज्यादा आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं क्योंकि इस स्टॉक में बोनस शेयर के कारण जो न्यूज है उसके कारण आज 2.20% की तेजी है, 71 रुपीज का इसमें तेजी आज देखने मिला है। तो सिर्फ पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कुछ फायदा करता है लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो बोनस शेयर होता है, स्टॉक स्प्लिट होता है, ये काफी ज्यादा बेनिफिट्स करता है। अगर आप रिटर्न की बात करें तो कंपनी 2016 में ही लिस्ट हुआ और देख सकते हैं ये आपका जो कैपिटल है उसे 11 गुना किया है, 1154% का रिटर्न है, 1154% का रिटर्न मात्र 4 सालों में। तो समझते इतना बेहतरीन रिटर्न दिया है इस शेयर ने और चार्ट देख लीजिए कितना सॉलिड है, चार्ट लगातार अप ट्रेंड में है। थोड़ा सा यहाँ पर जो चार्ट में वीकनेस आया था 2019 के लास्ट और 2020 के शुरुआत में, बाकी बाद ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो चार्ट पे आपने देख लिया कि काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। चलिए अब हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस को देखते हैं, क्या फंडामेंटली स्टॉक हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के कंडीशन को पूरा करता है या नहीं। टेक्निकल चार्ट पे आपने देख लिया चार्ट लगातार अप टेन है, तो हम जब भी गिरावट होगा तो बाय ऑन डिप्स होगा ये स्टॉक। तो दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशन की बात करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस में, वैल्यूएशन यहां पर देख लीजिए करंट प्राइस है 3,310 रुपीज, 71 रुपीज आज अप है और इसका मार्केट कैप है 4,494 करोड़। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसका देखते हैं डिविडेंड भी पे करती है, 110% का फेस वैल्यू 10 है और यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन पर जाकर के आप देख सकते हैं कब कब डिविडेंड पे की है, सारा रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, 2020 में 2 बार, 19 में 2 बार, मतलब एक साल में 2-2 बार कंपनी डिविडेंड पे करती है। और बोनस की बात करें तो देख सकते हैं बोनस का जो अनाउंसमेंट हुआ है नवंबर 13 को हुआ है, अभी एक्स बोनस डेट भी डिफाइन नहीं है, मतलब शेयर प्राइस में हो सकता है काफी ज्यादा तेजी आपको देखने मिले क्योंकि एक दिन में 71 रुपीज है और अभी जो है एक्स बोनस डेट भी निर्धारित नहीं है, मतलब एक्स बोनस डेट आपको 1 महीने बाद आता है, तो 1 महीने में काफी ज्यादा शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है। वहीं बात करें स्टॉक स्प्लिट का तो स्टॉक स्प्लिट भी कभी नहीं हुआ क्योंकि फेस वैल्यू 10 ही है। प्रमोटर्स के स्टेक की बात करें तो कंपनी में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है प्रमोटर्स का स्टेक लगभग कांस्टेंट तो नहीं है, 2019 मई में 46% था जबकि सितंबर 2020 में 4% से घटा है, लेकिन अभी अच्छा खासा प्रमोटर का स्टेक है, कोई वरीड होने वाली बात नहीं है। और देख सकते हैं सितंबर 20 में FIs भी इसमें स्टेक ले चुका है और DIs भी अपना स्टेक बढ़ाया है, मतलब काफी ज्यादा लोगों के मतलब नजर में FIs, DIs और अदर्स सारे नजर में ये स्टॉक आ चुका है। और यहां पर देखते हैं अदर्स में मतलब पब्लिक शेयर होल्डिंग 49.78 है, तो काफी अच्छा स्टॉक है और काफी मतलब अच्छा रिटर्न दिया है सारे इन्वेस्टर को जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया 4 साल पहले। और यहाँ पर बात करें फाइनेंशियल का तो सेल्स कंपनी का यहाँ पर देखते हैं लगभग कांस्टेंट है, अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखें प्रॉफिट भी लगभग डिक्रीज हुआ है, सेल्स भी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, एनुअल पर हम चलते हैं एनुअल बेसिस पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, 2016 में मात्र 52 करोड़ का सेल्स जबकि ये हो गया 583 करोड़ का, मात्र 10 करोड़ का प्रॉफिट था 2016 में जो कि बढ़कर के हो 138 करोड़, तो जो कि शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होता है, कंपनी का जो सेल्स और प्रॉफिट इंक्रीज हुआ उसी रेशियो में कंपनी का शेयर प्राइस भी हुआ है। अगर हम बात करें इसके बैलेंस शीट का तो बैलेंस शीट देख लेते हैं कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 12 करोड़ का कंपनी के पास, रिजर्व सरप्लस है 357 करोड़ का कंपनी के पास जो कि लगातार इंक्रीज हुआ है, पिछले साल की तुलना में इंक्रीज हुआ है। उसके बाद नीचे चलते हैं तो कंपनी के पास जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग है वो है 83 करोड़ का और लॉन्ग टर्म बोरोविंग भी इंक्रीज हुआ है, मतलब थोड़ा सा कंपनी के ऊपर डेट इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो एक साल का प्रॉफिट है उसके सामने ये कुछ नहीं है लॉन्ग टर्म बोरोविंग, मतलब अपने एक साल के प्रॉफिट के आधे से ही अपना लॉन्ग टर्म बोरोविंग को पे कर सकता है। उसके बाद कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो कंपनी के पास कैश और कैश इक्विवेलेंट है 12 करोड़ का, तो जो कि ठीक ठाक है, तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी अच्छी है, थोड़ा सा बोरोविंग जो है 83 करोड़ का वो कुछ खास नहीं है, तो कंपनी काफ़ी बेहतरीन है जो कि शेयर प्राइस में भी दिखता है। तो ऐसे कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए जरूर इन्वेस्ट करें जब भी गिरावट में मिलता है। अगर अभी तक आपने इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से ओपन कर सकते हैं, जिसे मैं पर्सनली यूज करता हूं और वही ब्रोकर रिकमेंड करता हूं जिसे मैं पर्सनली यूज करता हूं जैसे एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा।